हाय दोस्तों, कैसे भाई? एक और नए कंप्यूटर के टिप्स के साथ दोस्तों, आज का वीडियो यार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है भाई। जब भी दोस्तों अपने कंप्यूटर हो या लैपटॉप हो या दोस्तों या पीसी की बात करते हैं, तीनों की हम लोग बात करते हैं, जब भी उसमें हम लोग इंटरनेट एक्सेस करते हैं या उसमें हम लोग गूगल को ओपन करते हैं या क्रोम को ओपन करते हैं दोस्तों, वहाँ पर जो आपको प्रॉब्लम मिलती है वो मिलता है, यानी कि योर क्लॉक इज बिहाइंड। दोस्तों मैं आपको लाइव प्रूफ दिखा रहा हूँ दोस्तों। जब भी आपने गूगल यहाँ पर ओपन किया, इस प्रकार मैंने अपने आईडी को यहाँ पर लॉग इन किया, लॉग इन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको मिलता है गूगल सर्च और टाइप योर यूआरएल, यानी कि आपको कुछ भी टाइप करना है। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पे मैं इसको टाइप करता हूँ। जैसे दोस्तों मैं इसको टाइप करूंगा, यहाँ पर टाइप करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको योर क्लॉक इज बिहाइंड आपको, यानी कुछ इस प्रकार का आपको इंटरफेस नजर आता है भाई। यानी कि हम लोग इंटरनेट का यूज करना चाहते हैं, इसमें दोस्तों हम लोग कुछ भी, जैसे कि कोई भी वीडियो आज करना चाहते हैं नहीं देख पा रहे हैं, यानी कोई वेबसाइट्स को ओपन करना चाह रहे हैं भाई नहीं कर पा रहे, यानी कि आप इसमें इंटरनेट नहीं चला पा रहे हैं, किस कारण? यहाँ पे आपको दिख रहा है हाईलाइट से ब्लू कलर में अपडेट डेट एंड टाइम। दोस्तों अगर जब तक इसका डेट एंड टाइम सही नहीं होगा, तब तक इसमें आप लोग इंटरनेट एक्सेस, यानी कि इंटरनेट का यूज़ नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर दोस्तों आपको राइट साइड कॉर्नर पे अपने से आपको दिख रहा है जो टाइम दिख रहा है, आप अपने मोबाइल से और इस, यानी कि जो इसमें टाइम दिखा रहा है, दोनों को मैच कीजिए। का सेम टाइम है? सेम टाइम नहीं होगा दोस्तों। अगर इसका टाइम अगर सही रहेगा, डेट टाइम सब कुछ राइट रहेगा, तो दोस्तों यहाँ पर इंटरनेट बिल्कुल अच्छे से चलेगा और ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये प्रॉब्लम हमको कब देखने को मिलता है? जब डेट एंड टाइम सही नहीं होता, तब दोस्तों देखने को मिलता है। तो ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो वीडियो पे बने रहना, पसंद आए तो यार एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, नए हो तो भाई के पास शेयर करना, और लास्ट में एक प्यारा सा कमेंट्स करना कि भाई ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए फटाफट करते हैं वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों यहाँ पर करना क्या है, मिलता है अपडेट एंड टाइम, यहाँ पर एक बार क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करते हो, क्लिक करने के बाद दोस्तों ऊपर थोड़ा सा प्रोसेस हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ से मैं एक काम करता हूँ, आपको यहाँ पर अगर यहाँ से नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आपको मिलता है डेट एंड टाइम, यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे चेंज डेट एंड टाइम सेटिंग यहाँ पे क्लिक करना है। तो भाई यहाँ पर ऐसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर कुछ आपको इस प्रकार का इंटरफेस नज़र आता है, यहाँ पे चेंज एंड टाइम मिलता है, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पर ऐसे आप क्लिक करोगे भाई, अब यहाँ पर क्या चल रहा है, इसमें अक्टूबर चल रहा है भाई, तो अक्टूबर तो भाई यहाँ पे लिखा हुआ है सितंबर 2024, तो भाई गलत टाइम है, गलत कैलेंडर है इसमें, तो हमको करना है अक्टूबर, मैंने कर दिया 2024। आज कितनी तारीख है? आज है भाई, जितनी तारीख होगी आज, आज है 16 अक्टूबर, तो यहाँ पे फिलहाल मैं 16 अक्टूबर डाल लेता हूँ, ठीक है? आपको वो कुछ इस प्रकार डाल देना है। इतना करने के बाद यहाँ पर आपको मिलता है टाइम, तो भाई लगभग कितना टाइम हो रहा है अपने हिसाब से, यहाँ पे मेरे को सेकंड भी चल रहा है, टाइम भी चल रहा है, सब कुछ चल, तो भाई टाइम हो रहा है 10 बज रहे हैं, कितना 10, और कितना बज रहा है आप उतने हिसाब से अपने टाइम को यहाँ पर डाल सकते हैं। और भाई कितना मिनट हो रहा है, 48, 10 बज के, यानी कि 10 बज के 48 मिनट हो रहा है। तो यहाँ से मैं इस प्रकार इसको थोड़ा सा टाइम को सही करता हूँ, और फिर आपको टाइम सही कर, फटाफट मैं टाइम को फटाफट यहाँ पर सही कर देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 48 हो रहा है, 10:48, यहाँ पे 49 में डाल देता हूँ, ठीक है? 49 डालने के बाद दोस्तों यहाँ पे सेकंड चल रहा है, यहाँ पे क्या है, एएम के पीएम, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पे एएम हो सकता है पीएम, ठीक है? यहाँ पे होगा, सॉरी 1 मिनट, यहाँ 50 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे आपको डाल देना है 1 मिनट पीएम, ठीक है? पीएम जैसे आप डालोगे दोस्तों यहाँ पर आपको मिलता है ओके करने का ऑप्शन, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे वेट कर लेना है मेरे भाई। तो यहाँ पे मैं फिर से इसको थोड़ा सा एडिट कर देता हूँ, यहाँ से मैं करता हूँ इसको 49, ठीक है? 49 कर दिया, सॉरी ये 49 नहीं, 61 हो गया, इसको मैं कर देता हूँ 49.4 लिखता हूँ यहाँ पे, ये 49 हो गया, ठीक है? सेकंड 19 यानी कि पीएम, तो भाई आपको करना है ओके पे ऑप्शन पे क्लिक। जैसे आप ओके के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपको 10/16/2024 यानी कि जो टाइम हो रहा है यहाँ पे दिख रहा है, ओके कर देना है। यहाँ पे मिलता है अपडेट, यहाँ पे अपडेट पे क्लिक करना है, अपडेट जैसे आप क्लिक करोगे और यहाँ से इसको फिर से एक बार कट कर देना, ठीक है? जैसे आप यहाँ पे कट करोगे, यहाँ पे बिल्कुल आप देख रहे हो, ओके कर देना है। ओके करने के बाद दोस्तों आप फिर से अपने गूगल या क्रोम को ओपन करना है, तो फिलहाल मैं फिर से अपने गूगल को ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पे बिल्कुल गूगल कहें क्रोम कहें, बात एक ही मेरे भाई, यहाँ से मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ इसको, यानी कि मैक्सिमाइज कर लेता हूँ इस प्रकार। जैसे मैं बड़ा करूँगा थोड़ा सा, यहाँ पे इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, अपनी आईडी को सेलेक्ट करना है, या बाय डिफॉल्ट आप पहले से सेलेक्ट किए तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर थोड़ा सा भाई एक्सेस लेगा कि भाई अब इंटरनेट इसमें चलेगा, ठीक है? इसलिए थोड़ा सा समय ले सकता है कि भाई सर्वर थोड़ा सा स्लो चल रहा है। यहाँ पे क्लिक करना, मैं यहाँ पे यूट्यूब सर्च करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे यूट्यूब सर्च करूँगा तो यूट्यूब सर्च करने के बाद दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल आप लोग देख रहे हो, अब यहाँ पे इंटरनेट चलना स्टार्ट हो गया, बिल्कुल यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मेरे भाई। जैसे मैं कुछ यहाँ पे और सर्च कर देता हूँ, यहाँ पे मैं इसको कट करता हूँ, कट करने के बाद मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ, कुछ भी सर्च करते हो कोई दिक्कत नहीं। मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ कैनवा, ठीक है? जैसे मैं कैनवा यहाँ पर सर्च करता हूँ, यहाँ पे कैनवा यानी कि वेबसाइट ओपन हो चुकी है कैनवा की, यहाँ पे बिल्कुल आप लोग देख सकते हो।
तो इस प्रकार अपने लैपटॉप कंप्यूटर पीसी में आप इंटरनेट इस प्रकार चला सकते हैं। अगर इस प्रकार का प्रॉब्लम आता है तो बिल्कुल इस वीडियो को देखकर अच्छे से दोस्तों वीडियो को देखकर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो यार लाइक करना, अगर अभी भी आपको डाउट है और सही नहीं हो रहा तो कमेंट्स करना, अगर नहीं हो रहा तो भाई कमेंट्स करना, मैं फिर से वीडियो बनाऊंगा और इससे भी आसान तरीका मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं ऐसे और नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक दोस्तों जय हिंद, टेक केयर, अपना ख्याल।